नमस्कार मैं हूं केशव मालान आज दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर कांग्रेसी एक अलग रूप में दिखाई दिए विरोध प्रदर्शन के दौरान आज उनके काले कपड़े पहने हुए दिखाई दिए लेकिन सवाल ये कि एक तरफ हमलावर हुए राहुल गांधी तो उधर पलटवार किया भाजपा ने सवाल ये कि जब उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पर हम रोड पर आए हैं लेकिन भाजपा ने कहा बहाना कुछ और है और निशाना कुछ और है आज इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी सर बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद एक तो सवाल ये कि आज दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर कांग्रेस ही आए लेकिन असली बहाना क्योंकि भाजपा कह रही है बहाना ये है लेकिन निशाना कुछ और है देखिए कांग्रेस को तो ई को धन्यवाद देना चाहिए और भाजपा को भी कि वो सड़क पर उतरना भूल गई थी उसको सड़क पर कम से कम उतारना सिखा दिया मजबूर कर दिया कि आप सड़क पर उतरो भारत में राजनीतिक पार्टियां प्रायः आंदोलन करना सड़क पर उतरना धरना प्रदर्शन करना भूल गई है औपचारिकता होती है एक सिंबॉलिक रूप में प्रतीकात्मक रूप में होता है इसलिए भारत से आंदोलन गायब हो गए हैं तो इसलिए मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस के लिए अच्छा है अगर ये सीख लेती है थोड़ा पसीना बहाना धूप में रहना संजोग से आज सब प्रदर्शन कर रहे थे धूप ही नहीं निकला तो किसी का पसीना भी नहीं निकला होगा थोड़ा पसीना निकलता कुछ पुलिस का जो है पानी का बौछार होता आंसू गैस चलते तो क्या आनंद आता वो सब हुआ नहीं है तो इसलिए वो जरा उसके लिए कांग्रेस बचा के रखे आगे करने वाली है तो वो दृश्य भी हम लोग देखें तो ये कांग्रेस के हित में भी होगा दूसरी बात जहाँ तक महंगाई का प्रश्न है तो हम सब जानते हैं महंगाई आज तो है नहीं महंगाई तो पिछले लंबे समय से महंगाई बढ़ रही है जी। तो इसके पहले क्या देश ने कभी देखा कि सड़क पर महंगाई के विरोध में राहुल गांधी उतरे हुए हों प्रियंका बाड्रा उतरी हुई हुई पी चिदम्बरम आए हुए, हुए, हुए हों राजीव शुक्ला आए हुए हों मल्लिकार्जुन खड़गे आए हुए हों रणदीप सुरजेवाला जी दिख रहे हों सलमान खुर्शीद दिख रहे हों क्या इसके पहले यह दृश्य कभी दिखा तो अचानक महंगाई की याद कैसे आ गई है तो जाहिर है कि अगर गहराई से आप देखें दे तो इस समय कांग्रेस बहुत भीषण संकट के दौर से गुजर रही वो संकट राजनीतिक संकट नहीं है वो संकट यह है कि इसके पहले केवल एक बार राजीव गांधी के समय बोफोर्स का आरोप लगा था राजीव गांधी पर और उसमें वो, वो आरोप लगा था और उस आरोप के बाद जो स्थिति बनी थी कांग्रेस की सरकार चली गई थी हालांकि वो फोर्स का आरोप मैं आज भी मानता हूं कि बिल्कुल सही था उसमें उस समय के हिसाब से चौंसठ करोड़ की दलाली ली गई थी वो दलाली कहाँ कहाँ गए थे वो रकम भी बिल्कुल बैंक के खाते तक स्पष्ट हो गए थे कहाँ कहाँ क्वातरची से लेकर के वीन चड्डा सबके खाते तक स्पष्ट हो गए थे लेकिन अब चूंकि बीपी सिंह की सरकार चली गई फिर नरसिंह राव की सरकार आ गई फिर उसके बाद उन्हीं के समर्थन की सरकार थी इंद्र कुमार गुजराल और देवे गौरा की बीजेपी की सरकार ने थोड़ा थोड़ा काम किया फिर बाद में ये सरकार चली गई तो अपनी सरकार में ख़त्म हो गई ये पहली बार ये स्थिति आई है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार से इस ढंग से कोई जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है और पूछताछ में बहुत चीज़ें साफ दिख रही है क्या कल्पना नहीं थी कभी सोनिया गांधी ने सोचा ही नहीं होगा कि मेरे से 50 घंटे तक की पूछताछ हो सकती है राहुल गांधी ने कभी सोचा नहीं होगा पूछताछ हो रही है इनको जवाब देना पड़ रहा है और इसमें जो सबसे इनके लिए आतंकित करने वाला जो पहलू है वो ये है कि जितनी बार भी ये कोर्ट में राहत के लिए गए सुप्रीम कोर्ट में चार बार जा चुके हैं चारों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं 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 ये तो होगा बस इतना ही है उसमें थोड़ी थोड़ी राहत दे दी जैसे पहली बार ये गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये केस तो चलेगा आपको पर्सनल अपियरेंस से व्यक्तिगत हाजिर होने से छूट दी जाती है क्योंकि आप जाएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी उसी प्रकार से हाईकोर्ट भी गए हैं तो कहीं से इनको राहत नहीं मिली है तो इस कारण राहत नहीं मिली है और जो कुछ है उसमें बहुत चीजें साफ दिख रही है कि नेशनल हेराल्ड का जो मामला है उसमें नई कंपनी बना के यंग इंडिया कंपनी बना के जो पूरी मिल्कियत थी जिसके तहत नेशनल हेराल्ड चलता था वो उस कंपनी का नाम था द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड उस कंपनी का पूरा मालिकाना हक यंग इंडिया ये यंग इंडिया ने ले लिया यंग इंडिया लिमिटेड जो इन्होंने बनाया छिहत्तर परसेंट शेयर अड़तीस परसेंट सोनिया गांधी राहुल गांधी के आ गया कांग्रेस ने नब्बे करोड़ का लोन दे दिया फिर लोन भी माफ़ कर दिया पचास लाख रुपया दे करके और हज़ारों करोड़ कई हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी आपने ले ली है तो जवाब तो देना पड़ेगा तो कि ये कैसे किया तो इसमें दो मामले हैं ना एक तो पूरा भ्रष्टाचार का मामला, मामला है जिसके जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है कोर्ट के आधार पर उसकी जांच हो रही है दूसरा मामला है ईडी का ईडी का मामला वहाँ आता है जहाँ हवाला का मामला होता है धन शोधन जिसको बोलते हैं धन शोधन का मामला होता है आपके पास पैसे आए हैं तो ये पैसे कहाँ से आए हैं कहाँ से गए हैं नगद पैसे आए हैं कैसे आए हैं उसमें अगर खेल होता है तो ईडी डी वहाँ पहुँचती है तो अब आपको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई ये पैसा केवल ये कहने से कि केवल ये कह देने से कि सब कुछ मोतीलाल बोरा ने काम तो किया नहीं कंपनी के जो भी बैठक है उस बैठक में आपका सिग्नेचर है बजापता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सब में आपका सिग्नेचर है तो आप बच्चे तो हैं नहीं तो इस समय पूरा दबाव में परिवार है और जिस ढंग से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है या पश्चिम बंगाल में पार्था चटर्जी जैसा इतना बड़ा मंत्री पार्था चटर्जी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है वो तृणमूल कांग्रेस में उसका स्थान ममता बनर्जी अभिजीत बनर्जी के थोड़ा बाद एक दो के बाद ही उसका स्थान था तीन तीन मंत्रालय उसके पास था और पिता मुखर्जी अरेस्ट हुई है बाकी जगह अरेस्टिंग हो रही है तो एक भय पैदा हुआ है कि, कि, कि अगर और ने कहा है कि ये लोग पूछताछ में बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ये सम ये खतरा बढ़ रहा है कि ईडी इनको भी कस्टडी में लेके पूछताछ करने के लिए कोर्ट जा सकती है तो एक भय है तो अब इस कारण ये बहाना जो है महंगाई का है लेकिन एक पूरा विरोध ये है कि ये ये बार बार कह भी रहे हैं कि सरकार हमको डरा रही है हम सरकार से डरेंगे नहीं हम सड़कों पर उतरेंगे तो ईडी पर दबाव बढ़ाना सरकार पर दबाव बढ़ाना और पैदा करना कि अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी को छुआ गया तो हम इसी ढंग से सड़कों पर उतरेंगे और देश को जाम करने की कोशिश करेंगे आपका काम करना कठिन कर देंगे इसलिए मेरी दृष्टि में तो ये मूल जो है कहीं पर निशाने और कहीं पर निगाहें वाली बात थी सर, लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि भाई जब जब क्योंकि एक उन्होंने नारा बनाया है कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है क्या इसमें कितनी सच्चाई है क्योंकि ईडी का पिछले लंबे समय से लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। तो आ क्या जो खबर इंडिया के दर्शक हैं वो क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस इस स्थिति में है राहुल गांधी सोनिया गांधी जी से नरेंद्र मोदी को डरना चाहिए कांग्रेस तो स्वयं से डर रही है जिसका घर नहीं संभाल रहा है राज्य के राज उससे छूटे जा रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस शून्य की स्थिति में है अनेक राज्यों में शून्य पर पहुंच गई है कांग्रेस की जब राजनीति में कोई चुनौती ही नहीं है कांग्रेस अपने लिए ही अपने आप चुनौती बनी उससे डरने का तो कोई सवाल नहीं इस समय ऐसी स्थिति नहीं पैदा हो गई है जिससे कांग्रेस की ओर देश का आकर्षण हो गया हो जिससे पॉलिटिकल रूप से किसी पार्टी को डरना पड़े पहली बात है दूसरी बात अगर ये केवल पॉलिटिकल कार्रवाई है मैं कह रहा हूँ कि पूछताछ अगर पोलिटिकल कार्रवाई है तो कांग्रेस में इतने वकील हैं एक एक चीज़ को लेकर खड़े होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं कि हम हमसे पूछताछ न की जाए पूछताछ पॉलिटिकल कार्रवाई है जाना चाहिए था नहीं गए हैं सुप्रीम कोर्ट में 250 लगभग याचिकाएं थी लेकर के जो दो हफ्ते पहले बड़े पिछले हफ्ते के पिछले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई की जिसमें ई पर प्रश्न उठाए गए थे उसके कुर्की जब्ती पर उसकी गिरफ्तारी पर यहाँ तक कि उसके इंटोरेगेट करने पर बिना एफ दिखाए करती है और साथ ही साथ उसमें यह भी याचिका थी कि पोलिटिकल भेंडाटा के रूप में किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने उस सबको खारिज किया है बिना उत्तर दिए हुए कहा है कि ईडी को कुर्की कुर्की जब्ती का भी अधिकार है और वो कानून सही है ईडी को पूछताछ करने का अधिकार है वो कानून सही है ईडी को अरेस्ट करने का अधिकार है वो कानून भी सही है और उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो बिल्कुल एफ दर्ज कर लिया है उसके बाद बार बार आपको दिखाए ये भी आवश्यक नहीं है तो अब जो स्थिति इस समय है अगर ये पॉलिटिकल भंडाटा होता तो सुप्रीम कोर्ट आखिर सभी सभी वकीलों ने बहस तो की है ना वहाँ सारे चीज रिकॉर्ड पर रखे गए हैं कैसे हुआ इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं माना है तो इसको पॉलिटिकल भंडाटा कैसे कहेंगे क्या मैं क्या कोई भी ये मानेगा कि जो नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स के रूप में मूलतः कांग्रेस के लोगों की या कांग्रेस से अब जो लोग बाहर चले गए उनके शेयर्स थे उनमें उनकी प्रॉपर्टी थी उसको वहाँ से निकाल के एक परिवार की प्रॉपर्टी बना देना 38 परसेंट अड़तीस परसेंट शेयर दे देना 24 परसेंट अपने लोगों को बांट देना उसके लिए कांग्रेस से लोन दे देना उस लोन को फिर माफ़ कर देना फिर उसका पूरा का पूरा शेयर जो है इस कंपनी को निकल के, के, के तहत खरीद लिया जाना तो ये ये क्या इसमें ये, ये क्या देश को पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हुआ आखिर नेशनल है लाल नगर नेहरू जी ने कम ने स्थापित किया था उसमें देश भर के लोगों ने उसमें अपने पैसे लगाए थे वो क्या एक पार्टी की प्रॉपर्टी हो हो जानी चाहिए थी एक व्यक्ति एक की पार्टी की रहती तो किसी के समझ में आता आज तो कांग्रेस की प्रॉपर्टी नहीं है आज तो पूरी प्रॉपर्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की है छिहत्तर परसेंट चौबीस परसेंट उन्हीं के लोग हैं साथ में कांग्रेस की वो प्रॉपर्टी ही नहीं रही है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस के लोग जो सड़क पर उतर रहे हैं उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि हमारे पार्टी की प्रॉपर्टी किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है आज वो अध्यक्ष कल दूसरा अध्यक्ष हो सकता है पार्टी में लोग आते जाते रह रहे हैं तो क्या ये कांग्रेस के लोग जो है इनको समझ नहीं आ रहे इनका दिमाग कहाँ है कि ये एक परिवार के लिए सारे सड़क पर उतरे और महंगाई का नाम ले रहे हैं

पीछे देखना पड़ेगा कि स्वयं राहुल गांधी का जो कल का बयान था उसमें महंगाई तो कहीं नहीं था जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी से हम डरने वाले नहीं हैं नरेंद्र मोदी हमको डरा रहे हैं हम डरने वाले नहीं हैं हमारा काम देश की रक्षा करना है हम सड़कों पर उतरेंगे हम विरोध करेंगे उन्होंने तो कहीं नहीं कहा है कि हम महंगाई के विरुद्ध में उतरेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल राज्यसभा में जो भाषण दिया है उन्होंने जो अपना प्रश्न उठाया है मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा है कि राज संसद चल रहा है हमको संसद अधिवेशन के लिए बुलाया गया है और उस समय ई फोन करके कहती है कि आप आप आइए आपसे पूछताछ करनी है तो मैं संसद में रहूं या पूछताछ में जाऊं ये ये क्या ये लोकतंत्र है इससे क्या लोकतंत्र चलेगा और हम डरने वाले नहीं हैं हम इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे लड़ेंगे तो दोनों बयान देखेंगे तो उसमें भी कहीं महंगाई नहीं है प्रमोद तिवारी का एक बयान चल रहा है कि हम लोग राष्ट्रपति के पास इसलिए जाना चाहते हैं कि राष्ट्रपति ने संसद का अधिवेशन आहूत किया है और राष्ट्रपति ने आहूत किया तो हम राष्ट्रपति से पूछने जा रहे हैं कि हम संसद में जाएं कि हमारी नेता ईडी के पूछताछ का सामना करें तो आप हमारी रक्षा करिए तो जाहिर है कि अगर ये सारे कांग्रेस के नेताओं के बयान ही साबित करते हैं और कांग्रेस के नेता बयान नहीं भी देते तब भी देश के सामने स्पष्ट था कि जो कुछ इस समय प्रदर्शन हो रहा है उसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं है महंगाई एक बहाना है या कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाने वाली बात है और यह भी ध्यान रखिए जब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी पिछले महीने जून में तब भी कांग्रेस ही सड़क पर थे और उतरते थे, थे सारे मुख्यमंत्री आ गए थे और और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक होते थे उस समय क्या उसमें कहीं महंगाई की आवाज़ किसी ने सुनी थी उस समय विरोध पर एक बैनर भी दिखाती आज तो बैनर कम से कम महंगाई का था उस समय किसी बैनर में भी कोई दिखा दे कि महंगाई रहा हो तो बैनर में भी कहीं महंगाई नहीं था कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस नीति के स्तर पर भी दिशा भ्रम का शिकार है रणनीति भी उसकी गलत हो जाती है और इसी कारण कांग्रेस स्वयं दुर्दशा का शिकार है कांग्रेस के लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जो नेशनल हेराल्ड देश की प्रॉपर्टी थी कांग्रेस में उस समय जो कांग्रेसी थे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने पैसे लगाया था और बाद में जो कांग्रेस में आज नहीं रहे ऐसे लोगों का उसमें शेयर था उसको एक परिवार में समाहित करना भ्रष्टाचार जितना बड़ा हो देश के विरुद्ध अपराध है कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध अपराध है राजनीति के विरुद्ध अपराध है और वो अपराध हुआ है और सोनिया गांधी के रहते हुआ है अगर नेशनल हेराल्ड को इनको चलाना था तो यूपीए के शासनकाल में 2008 में वो बंद नहीं होता पूरी सरकार को ताकत थी थी विज्ञापन दे करके कांग्रेस पैसा लगा के उसको चला सकती थी और स्पष्ट था कि उसको बंद करके एक परिवार के अंदर उसको डाल के उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के नियत से सारी कोशिश हुई है इसलिए आज तो ईडी है कोर्ट भी इस मामले में फैसला दे सकता है दूसरी एजेंसियां भी जांच कर रही है अभी इनकम टैक्स की जांच चल रही है सीबीआई का इसमें मामला आएगा तो सारी चीजें होंगी तो इसलिए अब सड़क पर उतर के अगर कोई ये दिखाता है कि हमसे पूछताछ होगी या हमको सज़ा मिलेगी तो हम सड़क पर उतरेंगे तो इस भय से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई पूछताछ नहीं रोकी जा सकती है इस देश में एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग पहले भी हुआ है हो सकता है अभी भी हो रहा हो लेकिन राजनीतिक दुरुपयोग भी तभी होता है जब कहीं ना कहीं गड़बड़ी रहती है और इस मामले में तो चूँकि कोर्ट के आदेश से है एक बात मैं शायद और याद दिला देना चाहता हूँ कि ईडी का मामला 2015 में बंद हो गया था इसको उठाया गया फिर हाईकोर्ट में यह मामला गया हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर एफ दर्ज करके जांच करो उसके द्वारा यह जांच चल रहा है तो क्या ये डर जेल जाने का है रोड पर उतर करके जो दिख रहा है आ, मैंने अपनी बात ने बताया है कि वही एक, एक, एक कपकपी पैदा हुई है इसके पहले कभी भी संसद में बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष बेल में नहीं जाया करते थे पहली बार हमने देखा है कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष संसद लोकसभा में बेल में जाके नारे लगा रही हैं ये क्यों हुआ है केवल बाहर का नारा नहीं है पार्टी के कार्य नेता तो जाते थे सांसद लेकिन सोनिया गांधी बैठी रहती थी लेकिन सोनिया गांधी को अगर बेल में जाके नारा लगाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं भय तो है कि भैया कहीं ना कहीं इनको सरकार पर धमकी दो दबाव डालो संसद के लोगों का साथ दो और इसलिए मेरा तो अपना मानना है कि वो एक भय अंदर है और हो सकता है वो भय जो है सच में पलट जाए